हेमा लोनी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भाई नवीन ठाकुर जी एवं यहाँ पर आए हुए सभी हमारे अतिथिगण भाई कसवाण जी और सभी आए हुए अतिथिगण उपस्थित पत्रकार मित्र सभी छायाकार बंधु, मैं आज इस लोकार्पण के अवसर पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि एक शानदार आज कार्यक्रम के माध्यम से यहां पर ये लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से मेरे से पहले बोलने वाले सभी वक्ताओं ने यहां पर बहुत विस्तार से इस केंद्र के बारे में, यहां की गुणवत्ता के बारे में और सघन उत्पादन में जिस प्रकार से ये केंद्र काम कर रहा है, क्या इसकी भविष्य की योजना बनी है, यह निश्चित रूप से इन सभी कामों का जिनका यहां से उल्लेख हुआ है उसमें सहायक सिद्ध होगा। भाइयों, आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में जो हमारी पारंपरिक खेती है उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे संकट भी हैं, जिनमें आज जंगली जानवरों से जिस प्रकार से आज खेती को नुकसान हो रहा है और जिस प्रकार की हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ये सघन केंद्र जरूर हमारा मैदानी क्षेत्र में स्थापित है लेकिन यहाँ से ये पौध जो यहाँ पर उगाई जा रही है उसको बढ़ाया जा रहा है, लगाया जा रहा है और तैयार किया जा रहा है, वो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जानी है। तो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं और बहुत सारा स्थान ऐसा है, अभी हम लोग जब अंदर जाकर दालचीनी और जापानी मिंट, तैमूर इन सबको देख रहे थे तो वहां पर जिस प्रकार से ड्रिप इरिगेशन जो एक पद्धति यहाँ पर लग गई है वो कहीं ना कहीं हमारे जैसे राज्य में बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर सिंचाई के लिए वर्षा के सिवा कोई तो दूसरा साधन नहीं है। अगर बरसात नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है, बरसात नहीं होती तो फसल तैयार नहीं होती है। ये हमारे राज्य की प्रमुख चीजें हैं जिनके चलते राज्य में पारंपरिक कृषि के प्रति हमारे जो कृषक भाई बहन हैं उनका रुझान निरंतर कम होता रहा है। अभी मैं इसी महीने पौड़ी जनपद में गया था और जब मैं वहां गया दिन भर के कार्यक्रम पूरे होने के बाद तो मैंने तय किया था ना कि 7 बजे मेरे सारे कार्यक्रम पूरे हो गए और ठंड काफी तेज थी, सर्किट हाउस में रुकने की व्यवस्था थी, मैंने कहा कि आज सर्किट हाउस में नहीं रुकूंगा, आज मैं किसी गांव में जाकर रुकूंगा और मैंने कहा कि कोई आसपास का होम स्टे हो तो मैं आज किसी होम स्टे में जाकर रहना चाहूंगा। तो पास में एक रावत गांव है, रावत गांव में एक होम स्टे जो कि आर्मी के रिटायर्ड के बीच में ही वो आर्मी की सेवा से अपनी निवृत्त होकर उन्होंने एक होम स्टे प्रारंभ किया है, मेजर गोरकी चंदोला, और इतना शानदार उन्होंने वहां पर बनाया हुआ है। उसके बाद अगले दिन प्रातःकाल उठकर जब हम उस पूरे गांव में घूमने निकले तो वहां पानी के भी स्रोत थे, पानी का गधेरा भी चल रहा था, खेती के लिए अच्छे खेत भी दिख रहे थे लेकिन खेतों में कुछ था नहीं। मैंने उनसे पूछा और उनके ही चाचा थे जो सीएमओ रहे थे रिटायर होकर चंदोला जी, वह भी आए हुए थे, उनसे मैंने पूछा कि चंदोला जी ये खेतों में खेती नहीं हो रही, क्या बंदर आते हैं क्या? तो बोले कि इस गांव को प्रधान है कि यहाँ बंदर नहीं आते, बाघ जरूर घूमता रहता है यहाँ लेकिन बंदर नहीं है। तो मैंने कहा ये
खेत खाली क्यों है? तो उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है, इसलिए खेत खाली है। तो निश्चित रूप से ऐसे स्थानों पर जहां पानी भी है, जहां ये हम जापानी मेन, दालचीनी, तैमूर और भी जो हमारे अनेकों प्रकार के उत्पाद हैं, उनको उत्पादित कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आज धीरे धीरे रुझान जो है कम हो रहा है। और ये जो हमारा केंद्र है, इस केंद्र से कहीं ना कहीं लोगों के लिए जहां अच्छी पौध यहां पर तैयार की जा रही है। मैं अभी चौहान जी से पूछ रहा था तो इन्होंने कहा कि इसको हम दूर दूर तक मुंशियारी तक भेज रहे हैं, मुंशियारी भेज रहे हैं, उत्तरकाशी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, चमोली के क्षेत्रों में, अनेकों अनेकों स्थानों पर भेज रहे हैं। लेकिन जो मैंने बताया कि कृषि के प्रति जो रुझान कम हुआ है, और ऐसे में कृषि के क्षेत्र में जो आ रही चुनौतियां हैं, उसको एरोमेटिक सेक्टर के बढ़ते बाजार को देखते हुए जो सघन खेती है उससे संबंधित उद्योग है, उन सभी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये जो सघन केंद्र जिसकी यहाँ स्थापना की गई है, जो आज अपने एक बृहद रूप में और जैसे भविष्य के लिए तमाम जो इसमें आगे के लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं, वो हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों बहनों, जो सघन की फसल है वो कठिन परिस्थितियों में उगने की क्षमता के कारण वर्तमान में जो एक बेहतरीन नकदी फसल के रूप में स्थापित हो रही है। अभी चौहान जी ने बताया कि एक तेल उसका जो है 10 लाख रुपए लीटर था, किलो 10 लाख रुपए किलो के हिसाब से बिकने वाला है। तो आप स्वयं अंदाजा कि किस तरह से इसकी महत्ता है, इसकी उपयोगिता है। और तेल निकालने के जो हेमा जी ने हमको दिखाया वहां पर किस प्रकार से उसमें जो है पहले वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, उसमें से जो है उन्होंने कहा कि ऊपर वाला जो झाग बना हुआ है ये थोड़ी देर में उड़ जाएगा और वो तेल के फॉर्म में आ जाएगा। निश्चित रूप से ऐसा चमत्कार कोई कर सकता है तो ये टेक्नोलॉजी ही चमत्कार कर सकती है। जैसा हमारे भाई सहदेव जी ने कहा कि क्या था, जय किसान जय जवान, जय किसान जय विज्ञान, और प्रधानमंत्री जी ने उस पर जोड़ा है इस बार जय अनुसंधान। तो अनुसंधान के क्षेत्र में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। विज्ञान टेक्नोलॉजी ये इसका क्षेत्र असीमित है, इन्फिनिटी तक है, अनंत तक है, इसकी कोई सीमा नहीं है। यह किसान से लेकर ग्राम नगर देश में जो इसकी एक बयार वही है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये पूरे देश के अंदर आगे बढ़ रही है। चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो आज नई शिक्षा नीति लाकर शिक्षा का क्षेत्र हो, उत्तराखंड में भी साइंस और टेक्नोलॉजी आधारित गवर्नेंस मॉडल हमारी सरकार विकसित कर रही है। और प्रधानमंत्री जी का कथन है कि चाहे कोई क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, उद्यान का क्षेत्र हो, या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या हम कहें शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जो हमारे सामने उसके बेहतर परिणाम आ रहे हैं उसको अपनाने की आवश्यकता है। और यहां से जो मैं बेसिक रूप से इसको मैंने समझने की कोशिश करी तो ये हमारे जो काश्तकार हैं उन काश्तकारों को प्लांटिंग जो मटेरियल है वो ये उपलब्ध कराने का सबसे अच्छा केंद्र है, सबसे अच्छा एक मैं कहूं कि संस्थान है। और मैं इनसे ये भी पूछ रहा था कि आप काश्तकारों को ये उगाने के लिए दे रहे हैं और जब ये उग जाएगा, ये पूरा बड़ा हो जाएगा, तो इन्होंने कहा हम वापस भी ले रहे हैं। ये हमारा पहला केंद्र ऐसा है जहां पर पौधे भी दिए जा रहे हैं और वो जब तैयार हो जा रहे हैं, उसका उत्पादन हो जा रहा है, तो उसको वापस लेकर उनको बाजार देने का काम भी ये केंद्र कर रहा है। इसी इलाके में हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले समय में लगभग 25 एकड़ में
एक साइंस सिटी भी बनेगी। साइंस सिटी बनाने का भी निर्णय लिया है। स्वरोजगार देने वाले राज्य के रूप में उत्तराखंड की पहचान बन रही है। आज स्टार्टअप के क्षेत्र में भी देखे, पहले हम जहां एक सामान्य श्रेणी में होते थे, आज हमारे नौजवानों ने, युवाओं ने और कम संसाधनों में, कम साधन होते हुए भी अपने प्रयासों से आज उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान के लीडर राज्यों की श्रेणी में आ गया है। राज्य में कृषि वानिकी को तकनीकी से जोड़कर हम देश विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान बना सकते हैं। अभी पिछले दिनों गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी यहां आए थे और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि प्राकृतिक खेती पूरे देश के अंदर अपने पुनः पुराने स्वरूप में आनी चाहिए और विज्ञान जोड़कर दोनों चीजों को एक नया स्वरूप लाकर, जो आज जिस प्रकार से यूरिया और तमाम प्रकार के जो हमारे वो हैं उनसे जिस प्रकार की हानि हो रही है, वो कहीं ना कहीं उससे पार पाने के लिए प्राकृतिक कृषि की ओर भी हमको ध्यान देना होगा। और उसके लिए हमारा राज्य हर प्रकार से प्राकृतिक रूप से, जहां यह राज्य पर्वतों से आच्छादित है, जंगलों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, और सबसे अच्छा जो हमारा यहाँ का पर्यावरण है, जो हम अपने साथ साथ पूरे संपूर्ण भारतवर्ष को, संपूर्ण दुनिया को देने का काम करते हैं, ये हमको प्रकृति प्रदत्त है। और हम सगंध के क्षेत्र में भी अपनी विशिष्ट पहचान बना सकते हैं, एक आर्थिकी का बड़ा मॉडल खड़ा कर सकते हैं जिसमें आर्थिकी भी हो और पारिस्थितिकी भी हो, यानी कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन बनाते हुए हम राज्य को, जो हमारा मूल स्वरूप है, जो हमारी मूल पहचान है, उसको स्थिर रखते हुए, यानी उस स्वरूप को बिना छेड़े हुए हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो सकते हैं। और परफ्यूम का बाजार दुनिया में आज अरबों का है, कैसे इसमें हमें लाभ लेना है, वही जो अभी जोशी जी भी कह रहे थे और हमारे सहदेव भाई भी कह रहे थे कि समृद्ध उत्तराखंड, उत्तराखंड 2025 जो हमारा संकल्प है, और कि 2025 में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में कैसे शामिल हों। मुझे खुशी है कि हमारे इस केंद्र ने भी 2025 के लिए अपना एक रोड मैप बनाया हुआ है, एक मॉडल बनाया हुआ है, और उस मॉडल को लेकर आज उत्तराखंड राज्य के सभी हमारे प्रमुख विभाग 2025 के लिए अपनी कोई ना कोई योजना बना रहे हैं। और मैं जिस कार्यक्रम में भी जाता हूं, चाहे सामाजिक संस्थाओं के कार्यक्रम में भी जाता हूं, वहां भी मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि ये जो हमने संकल्प लिया है कि 2025 में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे, ये संकल्प किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये संकल्प हमारे उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों का है। इसलिए इस संकल्प में सबका हाथ लगना चाहिए, सबका प्रयास होना चाहिए, और सभी को हम प्रयास करें तो निश्चित रूप से हमारा जो विकल्प वही संकल्प है ये पूरा होगा। और मुझे खुशी है कि इस केंद्र ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और अभी पिछले दिनों जो हमारी कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, हमने काश्तकारों के लिए मार्केट से जोड़ने के लिए इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म विकसित करने का फैसला किया है जो किसानों के लिए तो एक मैं कहूं कि एक अच्छा माध्यम तो होगा ही होगा, साथ ही हमारा जहां किसान सशक्त होगा वहीं हमारा प्रदेश भी सशक्त होगा। और हम सब प्रयास करें कि टेक्नोलॉजी जो यहां पर विभिन्न प्रकार से जिसका प्रयोग किया जा रहा है, मैं कहूंगा कि उपयोग किया जा रहा है, वो प्रत्येक काश्तकार के घर गांव में पहुंचे,
जिससे कि उसके लिए वो एक आर्थिकी का आधार बने, उसकी आजीविका का आधार बने। उसके आधार पर निश्चित रूप से हमारा जो संकल्प है वो पूरा होगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से यह अनुरोध करते हुए कि हम सब लोग जो आज इस कार्यक्रम में आए हैं, ये कार्यक्रम ये केवल एक औपचारिक लोकार्पण का कार्यक्रम है, इतने तक ही सीमित न रहे। और जो हम लोगों ने बहुत सारे जो हमारे केंद्र में वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट की पॉलिसी है उसको देने का काम भी, उसको विस्तार देने का काम भी हम सभी को अपने माध्यम से करना है। और जो हाईटेक नर्सरी की स्थापना सघन फसलों के उत्पादन में जो यहाँ पर बनाई गई है वो तेजी से इसमें वृद्धि होगी, इससे फसलों का राज्य में तीव्र विस्तार होगा। और आज गणेश जोशी जी ने यहाँ पर अनुरोध किया है और मैं पहले से ही, क्योंकि ये था कि आज मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो निश्चित रूप से जैसे हमने पिछले दिनों कृषि और हॉर्टिकल्चर विभाग के एक कार्यक्रम में मैं गया था, तो हमने वहाँ पर कीवी मिशन के लिए, एप्पल मिशन के लिए कुछ घोषणाएं की थी, जिसका असर धीरे धीरे दिख रहा है कि आज हमारे बहुत सारे ऐसे गाँव, बहुत सारे ऐसे स्थान, बहुत सारी हमारी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई बहनें और जिनके बारे में इन्होंने अभी यहाँ से उल्लेख किया, हमने जिनको लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है, वह सब इस काम में तेजी से बढ़ी हैं। तो आज के अवसर पर ये जो इन्होंने कहा मिशन दालचीनी और मिशन तिमरू ये प्रारंभ किया जाएगा, मैं इसकी घोषणा करता हूँ। और इसके माध्यम से हमारे पर्वतीय क्षेत्र के किसानों की आय में जहाँ वृद्धि होगी वहीं रोजगार के अवसर भी इससे बनेंगे। इसी प्रकार से सघन पौधा केंद्र को सुदृढ़ करने हेतु एक एक्ट के माध्यम से संस्थान के रूप में भी इसको विकसित किया जाएगा, जिससे कि शिक्षा एवं स्किल डेवलपमेंट द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को फार्मा, एरोमा और परफ्यूमरी आदि उद्योगों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो पाएंगे। पुनः आप सभी का आज इस केंद्र के लोकार्पण के अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।